ना लगेगा नीचे ना लीजिएगा
हमारे युवा योग मंडल के सदस्य हैं और अब जो आपके सामने खड़े हैं उनका नाम है गौतम और गौतम तो महात्मा बुद्ध का भी नाम था लेकिन अभी ये बुद्ध नहीं बना है मात्र गौतम है लेकिन आने वाले दिनों में संभावना पूरी है कि ये बुद्ध भी बन जाए बुद्ध को हम बुद्धों में भगवान गणेश को जैसे लड्डू पसंद है उसी प्रकार उनको नृत्य भी पसंद है इसी तरह हमारे स्वामी जी को भी नृत्य बहुत ही पसंद है स्वामी जी हम युवाओं को नृत्य के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं आज हम युवा मित्र मंडल के सदस्य पहली बार भगवान गणेश को समर्पित एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं हरिओम सत्सत
नारद को जीवन के उद्देश्य को समझाने के लिए बनाते हैं,
उसकी शुरुआत होती है आध्यात्मिक ज्ञान से। और आध्यात्मिक ज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्म के ज्ञान को, जगत के ज्ञान को और जीव के ज्ञान को। ब्रह्म, जीव और जगत, इन तीनों के बीच जो संबंध होता है उसको समझना, और जगत के कारण जीव जो बंधन में पड़ता है उस बंधन से स्वयं को मुक्त करना, और जगत के बंधन से मुक्त करके अपने आप को ब्रह्म की ओर ले चलना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक विद्या। अब इसमें एक चीज है ब्रह्म, दूसरी चीज है जीव और तीसरी है जगत। ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा, जो अनादि और अनंत, अचिंत्य और अव्यक्त है। और यह जो ब्रह्म है यही सभी का आधार है, हर सृष्टि का, हर जीव का, हर स्थिति का आधार है। और यह जो परम तत्व है जिसको ब्रह्म कहते हैं, खंडित नहीं होता। और इस ब्रह्म का जो स्वरूप है वह सत्, चित् और आनंद का स्वरूप है। ईश्वर को जब हम राम कहते हैं तो राम की उपाधि
सामने दिखाई देती है, राम के गुण सामने दिखाई देते हैं, विश्व निराकार है। लेकिन जब हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण की उपाधि सामने दिखाई देती है, कृष्ण के गुण सामने दिखाई देते हैं। तो संसार जो इंद्रियों और मन द्वारा संचालित होता है और जिस संसार में इंद्रियों तथा मन के द्वारा व्यापार होता है वहां पर सरकार का होना आवश्यक है। और जब मन संसार से अलग हो जाता है, संसार के विषय मन को प्रभावित नहीं करते हैं और इंद्रियां मनुष्य को संसार की ओर आकर्षित नहीं करती, तब उस समय साकार स्वरूप की आवश्यकता नहीं। उस समय अचिंत्य है, जो अनुपम है, जो अवर्णनीय है, उस परम तत्व का ही ख्याल रखना भी मेरी उपासना है और वह मुझे पहुंचाती है। ये क्षरम अनुदेश्यम अव्यक्तम पर उपास के ये चाकुर क्षण अंतोषा के लिए उत्तम है। तो श्री कृष्ण जी को दोनों को मान्यता प्रदान की है क्योंकि दोनों सत्य हैं। साकार संसार में ईश्वर की अनुभूति का माध्यम बनता है और निराकार आध्यात्मिक जगत में ईश्वर के अवतरण का अनुभव का माध्यम बनता है, कारण बनता है और इसको कहते हैं प्राण। उसके बाद है जी तो जीव है वह हम और हम इस संसार में आते हैं, लेकिन हमारे भीतर में जो आत्मा है, जो तत्व है, वह उसी परम तत्व का एक अंग है। ईश्वर का अंश है, अतः जीव भी अविनाशी है। लोग कहते हैं कि जीव अविनाशी कैसे हो सकता है, क्योंकि जीव तो शरीर में आता है और जाता है, शरीर का जन्म होता है और मृत्यु होती है, और शरीर के बिना जीव का आभास भी नहीं होता। जीवात्मा का आभास बिना शरीर के तो होता नहीं, इसीलिए बहुत लोगों ने तर्क भी दिया है कि जीवात्मा अविनाशी कैसे, जीवात्मा सनातन कैसे, क्योंकि वह तो शरीर के साथ अनुभव होती है और मृत्यु के पश्चात उसका अनुभव नहीं होता है। लेकिन यह तर्क उचित नहीं है, क्योंकि यह तर्क बतलाता है कि आदमी आत्मा को केवल शरीर में आबद्ध देखता है, शरीर में बंधा हुआ देखता है। बल्कि अगर शास्त्रों को देखा जाए तो शास्त्र में तो कहा गया है स्पष्ट रूप से कि जब वह परम तत्व का एक अंश सीमित हो जाता है तब सीमित अवस्था के कारण वह जीव कहलाता है, और जब सीमा को हटा दिया जाता है तब फिर वह जीव अपने अस्तित्व को खो करके फिर परम से एकाकार हो जाता है। जैसे एक माचिस की कड़ी को आप जला करके अग्नि में फेंक दो तो माचिस की कड़ी तो स्वयं के अग्नि से जल रही है और भस्म हो रही है, लेकिन अग्नि में फेंक देने से जो अवशेष रहता है वह भी राख बन जाता है। तो उसी प्रकार यह जीव भी जब तक शरीर में है एक माचिस की भांति उस परम का अनुभव इस शरीर में आत्मा के रूप में होता है, और शरीर के नहीं होने के बाद वह जो एक छोटे माचिस के रूप में ज्योति का अनुभव हम यहाँ अपने भीतर कर रहे थे, वही ज्योति आप एक परम ज्योति के रूप में अनुभव कर्म होती है और उसे को ही कहते हैं सारुप्य, सामित्य, सायुज्य।
ईश्वर के साथ, मतलब निकट निकटता का होना, निकट आना। और जीव भी अपने आप में खोकर स्वतंत्र प्राणी, क्योंकि जीव को जीवात्मा को भगवान ने बुद्धि दी है निर्णय लेने के लिए कि या तो वो माया के कुएं में और अंधकार में प्रवेश करे या फिर वो ईश्वर के प्रकाश में चल सके। यही तो विकल्प है हम लोगों के सामने इस जीवन में। या तो हम संसार में एकदम रम जाए और या फिर हम संसार में रह करके एक आध्यात्मिक चेतना को भी प्राप्त करें। जो व्यक्ति संसार में रम जाता है और आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं, और जो व्यक्ति संसार में रह करके उस परम को जानने का प्रयास करता है उस व्यक्ति को श्रद्धावान आस्तिक कहते हैं। तो यह तो जीव की अपनी स्वतंत्र निर्णय है। और यह निर्णय उसकी वासना, उसकी इच्छा, उसकी कामना निश्चित करती है। अगर उसके जीवन में वासना है तो वह भोग की ओर जाएगा, और अगर उसके जीवन में वासना कम है तो योग की ओर आएगा। वासनाओं का अभाव मनुष्य को आध्यात्मिक या गृहस्थ नहीं बनाता है, बल्कि वासनाओं का संतुलन ही मनुष्य को या तो भोगी या योगी बनाता है। अगर किसी के जीवन में 50% से अधिक वासना है तो भोगी है, क्योंकि उधर का पल्ला भारी है, वासनाओं का पल्ला भारी है। और अगर किसी के जीवन में 50% से कम वासना है तो योगी है, क्योंकि वो पल्ला फिर हल्का है। तो यही बात कर रहे हैं मनुष्य के अपने प्रवृत्ति का, अपनी इच्छा का। और जो तीसरी स्थिति है, जो तीसरा अनुभव है, वो है जगत संसार। संसरति इति संसार, संसार की व्याख्या की गई। संसार की व्याख्या क्या की गई है? संसरति इति संसार, कि संसार ये सब रेंगते हैं, कोई खड़ा होकर के चलता नहीं है, बल्कि सब जमीन पर रेंगते हैं। ये संसार की परिभाषा अमर कोश में दी गई है, और बहुत सुंदर परिभाषा है, क्योंकि संसार में तो है गुरुत्वाकर्षण है, धरती की अपनी गुरुत्वाकर्षण है और विश्व का अपना गुरुत्वाकर्षण है। और अगर गुरुत्वाकर्षण भारी होते जाए, बढ़ते जाए, भारी होते जाए, बढ़ते जाए, तो आपका शरीर भी भारी वजनी होते जाएगा और आपको चलने में कठिनाई होगी, क्योंकि शरीर का भार, शरीर का वजन बढ़ गया है गुरुत्वाकर्षण के चलते। यहाँ पर आपका वजन कितना है? 7 किलो, 70 किलो, 80 किलो। और अगर आप चंद्र लोक में चले जाएंगे, जहाँ पर कम ग्रेविटी है, जहाँ पर कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वहाँ पर आपका वजन कितना होगा? 80 किलो नहीं होगा, 7 किलो नहीं होगा, 10-15 किलो होगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम है। तो जब आप चलोगे तो एक कदम दूसरे के सामने नहीं पड़ेगा, चलोगे तो एक कदम यहाँ तो दूसरा 20 कदम आगे, क्योंकि शरीर हल्का है, उड़ सकता है। और जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण भारी है वहाँ पर शरीर 10 तक आगे नहीं जा सकता है, एक ही जाए। और अगर और भारी हो जाए गुरुत्वाकर्षण और प्रबल हो जाए तो आपको चलने में भी कठिनाई होगी। आप
आपको चलने में भी कठिनाई होगी, इंच पर इंच चलना होगा। तो इसको कहते हैं जगत, इसको कहते हैं जगत। माया का आकर्षण जहां पर है और माया के चलते जब व्यक्ति अपने चाल को धीमी कर देता है और चल नहीं पाता, सड़कता है, तो वो संसार कहलाता है। और जब मनुष्य माया से अपने आप को स्वतंत्र करता है, व्यक्त करता है, तो माया का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, वो कम हो जाती है और मनुष्य फिर आसमान में उड़ने लगता है। तो यह है जीव का ब्रह्म, जीव और जगत, जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम चरण है। अब कल दूसरे ज्ञान की चर्चा करेंगे। अभी संक्षेप में मैंने आपको समझाया है, 10 मिनट बाकी है, उसके बाद फिर हम लोग और अपने स्तोत्रों का पाठ करेंगे और 10 मिनट में मैं आप इसी विषय को अंग्रेजी में भी समझा देता हूँ। Material dimension, that's the thing is identified by name, form, and quality. So when we use the word Rama, a figure is conceived, a quality is conceived, an attribute is conceived. When we say Krishna, a figure is conceived, a quality is conceived, an attribute is conceived. Nama Rupa Guna. When we take the name of Kali, a figure, a form, a quality, an attribute is conceived. So all these different names do not reflect the Supreme. Rather they are personification of one highlighted effulgent quality. One highlighted effulgent attribute. And of course, that attribute is that of the Supreme, but visible, manifest, identifiable. And once it becomes identifiable by mind and by senses, it has a name, a form. But when it is not identified by the senses and mind, then it is attributeless. I am that I am, the singular self, the higher self. So we are an emanation of that supreme luminosity. We are existing because of the existence of that supreme luminosity within us. And the awareness of life is that of spirit. Why are we alive? Because we have spirit in us. Nobody says we are alive because of senses. Nobody says we are alive because of mind. Everybody says we are alive because we have Atma, we have soul, we have spirit. And that soul, that spirit, the same as the Supreme. There's no difference. You can light a bonfire here, and from that bonfire you can light a single stick of match. All the match has a separate existence and bonfire has a separate existence. The fire burning in both is same in essence, in form, in strength, in quality. But one will fizzle out faster and the other will burn for hours. Something that burns for all times to come, in all the times, past, present and future, is the eternal. And something that gets extinguished after 40, 50, 60, 70, 80 years is impermanent. The manifest forms of God allow the impermanent mind, the fluctuating mind, to identify with an form, with an idea, with an object.
And this manifest awareness is only a temporary awareness, because it is only to cultivate the awareness of that presence in us. But then when you transcend your senses and mind, then you realize the eternal nature of the same element. You may be thinking of Rama in your meditation. You may be thinking of Krishna in your meditation. You may be thinking of Jesus in your meditation. You may be thinking of sun and moon in your meditation. You may be thinking of mantra and Muhammad in your meditation. They are only stepping stones to lead you to an experience where you experience your own universality. And then these forms, these names have no meaning. And you become one experience, the totality of experience. And that is the attributeless, the formless self, the supreme self. And we are the souls, which is contained. You know, if you take a glass of water from a tank of water, water in glass is limited, whereas in tank it is unlimited supply. And the limit of water is according to the size of the container. So this water frame that we have is a very tiny container. If you consider yourself in the scheme of the entire creation, we are microbes in the scheme of entire creation. Our container is very minuscule. How can the information of all the created galaxies and universes and the invisible come inside here in one split second of meditation? Is it possible for you to ever become realized? My guru used to say, no, it is not possible to attain self-realization in this lifetime. And people used to say, why are you saying that? Because everybody says the purpose of life is to attain enlightenment. And you are the only sannyasi, you are the only guru who says enlightenment is not possible. He used to say, yes. Your mind is not transcendental, and God is transcendental. How can you understand a transcendental reality with a non-transcendental mind? How can you understand a transcendental reality with a limited mind? And he used to clearly say that the purpose of our efforts, the purpose of spiritual life is to develop our capacity to revive. It is to develop our capacity to understand and imbibe. And only after we have understood and imbibed can we experience and realize. So, first we have to deal with the non-transcendental limit itself. And this non-transcendental limit itself, in this body, in this identity, is attracted to the sensorial world. Because the body is sensorial, the world is sensorial, and we are surrounded by sense objects. There is nothing in this world which can be said to be separate to sensory awareness. So even your aspiration for spiritual enlightenment is only sensorial and mental desire, not a true inner spiritual desire yet. It will happen one day. The process has started. It will happen. And this jagat, this world, is the world of Maya. Everything that is created is Maya. Maya means transient, temporary, everything changes. The world changes from generation to generation. Your life changes on daily basis.
The cosmos, the galaxies change on daily basis. We are never in the same spot in the universe where we were 1 hour ago. We are all moving continuously. There is nothing permanent. Everything is changing and altering. Even our mind, even our senses, even our intentions, even our thoughts, even our ideas, everything is changing. So where is permanence in this life? Where is permanence in this world? The attempt to realize the truth, the attempt to realize the sentientness, and the attempt to experience bliss will lead one to the experience of the higher self. And therefore, the spiritual traditions say, devote your time in the discovery of Satyam, Shivam, Sundara. Devote your time in the discovery of Sat, Chit, and Ananda. And this is the first jnana, this is the first knowledge, the spiritual knowledge of God, the Supreme Self, Jiva, the individual self, and Jagat, the material world. And the other forms of knowledge we shall discuss tomorrow. Hari Om Tatsat. हमारे आचार्यों आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सतत नाटनम विष्णु स्तोत्रम लक्ष्मीनारायण स्तोत्र गुणाजी की संख्या 95 पेज नंबर 95 संपीर्ण नंबर 91
page number 21, Roman from page number 22. Thank you.
आपके सामने जो सहस्रार्जन के लिए आपको लावा वगैरह द्रव्य दिया गया है उसको हाथ लगा के रखिए खाली। अर्चना द्रव्याय नमः Gotta bother.
Thank you.
Yeah.
हरिओम, अगर आपके पास द्रव्य कम हो गया है तो चावल ले सकते हैं, आपको यहाँ चावल दिया जाएगा। 800 नाम पूरे हुए हैं, 200 नाम अभी बाकी है। जिनके पास द्रव्य की कमी हो गई हो वो चावल वहाँ से मांग लीजिए। 800 नाम पूरे हो गए हैं, 200 नाम अभी बाकी है। ओम नृत्याय नमः, ओम नृत्यवराय नमः, ओम नृत्यवराभीष्ट प्रवराय नमः, ओम गिर्वाण कीटसेविताय नमः, ओम गिर्वाण गणसेविताय नमः, ओम गिर्वाण वरदात्रे नमः, ओम गिर्वाण भवनाश्रिते नमः, ओम गिर्वाण गुणसंहिताय नमः, ओम गिर्वाण लक्ष्मी सुजनाय नमः, ओम गिर्वाण रामे नमः, ओम गिर्वाण गोत्रे नमः। Mangalam.
Thank you.
Hey, Philly, I'm talking to you.